मंत्रीवर, क्या जिस वक्त महाराज तुम पे हंटर चला रहे थे, मैं आया और बोला महाराज ऐसे जुलम उठाओ मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर क्या तो महाराज ने कहा तुम हमारी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं कहीं तुम्हारे ऊपर ना हंटर उठ जाए। अच्छा ये बताओ करिंदे साहब, तो भाई रुपया महाराज ने दिया कि नहीं? महाराज ने हमें रुपया दिया। कितना दिया है? 50,000। शायद इतने में ना हुआ तो फिर आगे देखेंगे 75,000। ना तुम्हारे बाप की रकम है ना हमारे बाप की रकम है, जितना रुपया उस साला लेके आओ सब फिर हम तुमको राय बताएंगे। लेकिन मेरी बात सुनो। क्या है? इस रुपए को हम चलेंगे दयाराम नेता के पास जाएंगे, उसको सिर्फ 5,000 रुपए देंगे, देने के बाद उससे सारा पैसा ले लेंगे, सिर्फ उसे 500 रुपए देंगे और कहेंगे दयाराम अगर पूरा पैसा ले जाओगे तो सब खर्चा कर दोगे और 500 ले जाओ और जब जरूरत हो तब फिर आ जाओ। क्या बात है मेरे दोस्त। और भी हम दोनों 50-50 कर लेंगे। तो फिर पहले दयाराम के पास चलोगे? दयाराम के पास चलेंगे। अब चुआरे चुआर क्योंकि शाला वह दयाराम साला गरीब भगवान बन के घूमते है ना, वो शाला दयाराम गरीबन के भगवान बन के घूमता। ये दुनिया के मालिक हब है। हाँ। वही तो महू का हाथ है। हम जो कहेंगे वही होगा। वही तो हमारे बिना अगर हम कह दे तो शंकर जी की मूरत भी हिलने लगेगी। अरे का हम वो भगवान है। वही तो महू का हाथ हूँ। वाह अब तो चौरे चौर अरे हमें चोर कहता है। तुझे पता नहीं कि हम महाराज के खजाने के वफादार परिंदा है, लेकिन महाराज ने हमारी एक बात नहीं मानी। अगर हमारी बात मान जाते तो ऐसा कदम हमें हराम खोर। इतना नहीं सभी लोग बैठे रहना, सुबह तक वो तर्क कराएंगे कि महाराज क्या जानेंगे, महाराज का परिवार भी क्या जानेगा। ऐसा नहीं महाराज जब अपने भवन में सोते नजर आए वहां चलना है, महाराज का खून करेंगे, खून का बदला महाराज के लड़के पे लगाएंगे और फिर इसके बाद उस साले को जेल में डालेंगे। जब जेल की हवा खाएगा सही तब भवन सिंह सेनापति और करिंदों को कुत्ते। बात महाराज की करत हूँ, महिका कहे काड़ा तू साले बात। मैं तो तुम तीन के अलावा किसी के काने नहीं जा रहे। अरे टेंशन न ले आओ, फिर तेरा भी इस तरह और करिंदे साहब एक दिल के अंदर और अरमान भरा है। कौन सा? ये खून का इल्जाम इसके बेटे पे लगा करके जब वो शाला घर से बेघर हो जाएगा तो कसम माल। हेलो, जब तलाक इस महाराज की रानी को, इस महाराज की रानी को जब तलाक किए मंत्री भंवर सिंह अपनी रानी नहीं बना लेगा, तलाक ये दिल की जलती हुई ज्वाला नहीं बुझेगी। सही आया भैया, जब सौ हरामी मरे हुए तभी दोनों का जन्म भा। क्या कहता है जो उन्हें पतरी में खात हो यार वही में तुम छेद करी जा साले है? हम तुझे बुलाते काम करने के लिए। हाँ। तुझे बुलाते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल साले सोएगा तो क्या तेरे बाप के गद्दा है? परेशान न हो, दवाई खा खा के काम कर रहा हूँ।
आओ तुम कहा तो ड्यूटी, आओ चलते उस धर्म साले नेता के पास, आओ चली बहुत बड़ा साले नेता है, आओ वो की नेतागिरी अभियान छुटा है, चलो तशरीफ लाए रे। अभी तक आप लोगों ने पैसा नहीं पहुंचाया। पैसा कितना तुझे पैसा चाहिए रे? कितना चाहिए दे दो उसी हिसाब से। कितना? 100, 200, 1000, 2000, 5000, 50000। हाँ हाँ 5000 दे दो। 5000 पूछ लो करिंदे साहब कितना है कर रुपया चाहिए। ये ले ये ले। काहे से ही गरीबन का भगवान है। ये ले किसान यूनियन में हो गया का। ये ले ये ले और ये ले और ये ले। बोल इतने में तुझे हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा। लेकिन ये बोल तू गरीब आदमी है साले, इतने रुपया ले जाएगा सब खर्चा कर डालेगा फिर कहलाएगा कि हमें फिर पैसे दो, इसलिए इन पैसों को मुझे दे दे, सिर्फ तू 500 रुपए ले ले, 500 में काम चलाना और इसके बाद फिर तू आ जाना। हाँ, हाँ, फिर ले जाना, फिर जब जरूरत समझो तब दरवाजा खुला है, आ जाओ घर तुम्हारा ही है, ठीक है ना भाई? 5000 ले जाएगा सब खर्चा कर देगा बिल्कुल, फिर साले आएगा फिर खून पिएगा, जाओ ठीक है। बताओ नेता है 500 रुपया मार मुस्की छोड़े चले जाए। लेकिन ये क्यों भूलते हो? साला रुपया ले गया 500, हराम खोर, कसम भगवान की पैदा करने वाले की, ये साला 5000 देगा कर चला गया तो इसकी मौत हमारे हाथ होगी। तुम दोनों आओ चलते हैं दरबार चलेंगे और महाराज के सोने का इंतजार करेंगे। आओ 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 आओ, आओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें आराम करना है और रात काफी हो चुकी है, इसलिए तुम तत्काल बिस्तरे का इंतजाम करो। दरबाल हम आराम कर रहे हैं और आप गेट पर ड्यूटी दीजिएगा, ठीक है? हमारे आराम करने के पश्चात कोई गेट के अंदर नहीं आना चाहिए जी, कोई नहीं आना, ख्याल रहे, आप आराम करिए, ठीक है? और मैं गेट पर ड्यूटी दे रहा हूँ। करिंदे मेरे रहते हुए सेनापति जी, आओ चलते हैं महाराज के सैनिक में, महाराज का इंतजार करेंगे। आओ आओ यार, इस वक्त साला गेट पे ड्यूटी दे रहा ड्यूटीवान, चलता हूँ इंतजार करूंगा। यार हमारो नींद लागा थी,
हिया ससु कौने बात की ढेर कौनो कौनो हेनो टेन का ऐसा का थका। जय जय हम आराम कर। अब महाराज जी के पहले हम खुदे उठ जाइबे। महाराज जी जाने न पाए स्वागत रहा कि जागत रह। कौस ये कही यार साहब मसा काट थे कहा यार ससु या डेंगू तो ना हो। हाँ जो डॉक्टर बता दे दो 3 महीना कोर्स। अब वो कई न पौड़ी हो कई पौड़ी हो। अब ये सार डेंगू ना हो न मलेरिया आए। माइकल लागत सार भूत लागत है। बाप पहली बार अकेले ससु ड्यूटी दे आतू। अब ऐसा करो कौन ससु हाथे में लोहो नहीं ना। चलो मैं सारे का बीच में पावली हूँ न उकाई जंझो न एकाई जंझो। भूत हुआन तो नया ऐस और चुड़ैल मोरे लगे अबो न केस नहीं मैं तोरे साथ भी आओ कई ले आऊ। यही कह पौड़ी हूँ ससु यार निकुआ मसा मसा घुसा जात रहा यार। ससु पावन की चीज हाथे मका सता गया। माइकल लागत है साहब भूत छोड़ी है ना यार। का करूं का न करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आवता है। अंतारी मंतारी 3-4 लड़के की महातारी फूंक यार मैं करूं ठीक न हुआ तो मैं का करूं। पकड़ ली हो सारे का बलि दया से मैं कहो तुमको अहे हो भैया यार। हाँ साले हमें नहीं पहचानता कि हम कौन है। हम कहा जाने तुम भैंसी खुआले वाले। अबे साले खोलने वाले नहीं हम तेरे बाप है। पहचान हम तेरे बाप के बाप है बे। ये बोल साला तेरा महाराज का है। महाराज कहा है लेकिन यह बताओ तुम रात में कहा उनका ढूंढ हम ला रहा जो महाराज के अपमान का बदला न दे। जाने तुम रात में बदला ले आए क्यों नहीं बड़े हिम्मती रहे तो दिन में आते हो। बोल महाराज कहाँ है। बताई थी यार ना उनके बदलम तो हम आते रहती राता करुआ डायो। भीतर अंदर पड़े आराम। दरवाजा खोल को दरवाजा खोल साले हमारे साथ चल। बोला के चाबी नहीं ना ऐसे बोल कहाँ चाबी है। खुल गया करिंदे साहब खुल गया साले तो आए साला हमें अंदर भेज रहा है। हाँ साले वे महाराज के अंदर जाएंगे चल साले आगे आगे मतलब अंदर जाइयो। हाँ हाँ हम साथ चलेंगे तू भी साथ चलेगा। महू का अंदर ले जाइयो साथ चल साले मैं का ना अंदर करो। बोल करिंदे साहब चलो आगे आगे तू चल। महाराज को गिरफ्तार कर। तू नहीं क्या मैं
साले गिरफ्तार कर महाराज को। तो जाग न जाए यार, तुम तो भाग जाओ। अबे हम है गिरफ्तार कर महाराज को। ठीक अच्छा यही लाग के कर रहा हूँ। महाराज मैंने तुझे कहा था कि महाराज मंत्री के ऊपर हंटर मत चलाओ। मैं समझ तुमने क्या कहा, करिंदे जाओ कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न उठ जाए। मैं समझ गया, फरे दरबार मेरा अपमान किया। हराम जादे तू भी उससे मिले। अगर मैं जानता से बात मत करो महाराज, कि मैंने अपने आस्तीन में सांप पाल रखे। हरिराम महाराज की शाही ताकपोशी उतारी जाए। महाराज जी मेरी गलतियों को क्षमा करना, मैं मजबूर हूँ जैसे आप इनके कब्जे में। कोई बात नहीं दरबार, आज मैंने देख लिया कि हराम जादे सपोले, अगर मैं पहले जान जाता तो इन्हें पहले मुल्क आदम पहुंचवा देता। कोई बात हम आओ कहे, बेमौत कोई नहीं मरता, बेमौत कोई नहीं मरता, जब उसकी मौत आती है तो सीधे मरता है। हराम महाराज जी दरबार, वह कहावत गलत नहीं ना, सांप बच्चा का चाह जितना सारे का दूध। सही बात है, लेकिन वो डस्टा कभी नहीं भूलता। पांव तरे पर का तो भमहोरन खात है। सही कहते हो दरपाल। आया उठ पहाड़ के नीचे ना। हसले हराम जादे हसले, आज तेरा टाइम है। चुभा को लगा और उस दिन कांप रहा था ना महाराज। जब तक तेरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक, जिस तरह तूने भरी समाज में मेरी बेइज्जती किया है महाराज। आज ये क्या कहना चाहते हो बोलो। किट के बदले चुकाएगा रे महाराज, तेरे घर में वो आग लगाएंगे, तेरे घर में वो आग लगाएंगे कि पानी ढोने वाले मर जाएंगे। अगरचे हमारे घर की बर्बादी ऊपर वाले को मंजूर हो तो होगी, कहने वाले ने सही कहा है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। हमसे बड़ा नसीब वाला कौन है रे शाले, जो हम कहेंगे वही होगा। अरे हराम जादू, तू अपने आप को भगवान बना फिरता है ना। ये सारी दुनिया हमारी पूजा करती है और हमारा एक भी पत्ता नहीं। हसले हसले देख सूरत हो चले तन्हा। Thank you.
खोल, मैं तुझे समझा रहा था। अच्छा महाराज, मंत्री निर्दोष है, मंत्री के ऊपर हंटर मत चला। ओ सितमगरे सताले, और तू दिल खोल करे, हौसला कोई रह जाए बाकी नहीं। तेरे कहरे पे मैं धार मारूं नहीं। आज हराम जादू लो बाजी तुम्हारे हाथ में, कुत्ते से गिन गिन के बदला चुकाओ। ए महाराज, क्या कहना चाहता है बोल। पहचानता है हमें कि नहीं? पहचानता है, इले हम तुम्हें पहचान। तुझे सपोले को कौन नहीं पहचानेगा? ये तोहार करिंदा वफादार है ना? उस साले तूने भरी समाज में मेरी बेइज्जती किया था ना। हराम जादे, जिसकी इज्जत हो उसकी बेइज्जती होती। और जिसकी इज्जत रही उसकी बेइज्जती कैसी? ओए, हम इज्जतदार इंसान है रे। हम जानते हैं इज्जतदार तो हम तुहरी नजर में तब ही आई बे जब तोरे मेहरारू का अबे साले जब हम अपनी मेहरारू बना ले बना तो तू तो साले तोहरा का हम ऐसी जगह भेज दे कि तू अपनी मेहरारू की इज्जत तोरे साले। आवा बाबू पहाड़ के नीचे ना महाराज, ये वही मंत्री भवन छिगा। समझ रहा है? सोच लिया ना? समझ रहा हो? तोहरा का ऐसे मौत देव हम का समझ जानता। तोहरा का ऐसे साले मौत देव कि तोहरा एक एक बदन की पीस कुत्तवा भी ना ही खान को पावे। हाँ साले कमीने करिंदे साहब लगा निशाना, इसके साले की सूरत देखना। और तेरी देख सूरत अब चले तारे देख तोहार हम का हाल करब। ओए क्या बात है बोल। लगा निशाना साले के, अरे कर हम ऐसी जगह भेज दे इस साल साला 80 साल तक इस साला कभी फिर या दुनिया कहना चाहता बोल। किसी से मिलना चाहता है? नहीं, किसी से नहीं मिलना चाहता। कुछ खाना चाहता है? हाँ, अवश्य खाना चाहता हूँ। क्या खाना चाहता है? अगर जो तुम लोग मेरी दिली इच्छा पूरी करना चाहते हो ना, तो मैं अवश्य खाना चाहता हूँ। क्या खाएगा रे? हराम जा
सहारा चाहता है। साला हमारा मांस खाएगा तू? क्या रे, हमारे मांस का भूखा है ना साला। कुछ पीना चाहता महाराज? हाँ पीना चाहता है। अगर पिलाना चाहते हो तो हराम जादों में तुम दोनों का खून पीना चाहिए। करे देखा इस शराम जादे की सूरत देखना महापाप है। लगा निशाना। नंबर एक। लगा साले। नंबर दो। महाराज क्या कहना चाहता है बोल। नंबर आओ 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 अब हमारा ले भगवान अब एक कर आज से जाने क्या बात है, आज मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। चल के देखते हो, पता नहीं क्या बात है। चलते हो रात दरबार। अरे मैंने सपनों देखी रात, आज मैं रात दरबारी कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। चलती हूँ
प्राणनाथ, देव प्राणनाथ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते प्राणनाथ।